उधर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद तट पर संत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे थे। एक बहुत बड़ा चमत्कार वहां हुआ। कि भक्ति अपने वृद्ध पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के जो वृंदावन के मधुबन में मिली थी, वो भक्ति हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद तट पर जब संत कुमार आदि जब ये कथा कहना शुरू करी और नारद जी यजमान बने, तो वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। लोगों ने गौर से देखा, ये कौन आई है और इसके साथ में ये दो कौन है। संत कुमारों ने भागवत कथा कही, भक्ति पुष्ट हुई। ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र पुनः जवान हुए। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ, ध्रुव जी थाई थाई नाच रहे थे, इंद्र मृदंग बजा रहा था, बलि नाच रहे थे और अनेक साधु संत सिद्धगण वहां कथा में आनंद ले रहे थे। और इसी प्रसन्नता में, इसी खुशी में, इसी आनंद में, इसी अमृत वेला में एक तेज पुंज प्रकाश प्रकट हो गया और उस प्रकाश में सत्यनारायण भगवान का प्राकट्य होता है। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। और सत्यनारायण भगवान प्रकट होकर के नारद जी को कहते, नारद जी आपका उद्योग सफल हुआ। नारद जी आपने जो उद्योग किया था, आपका उद्योग आज सफल भया है। मांगो मांगो नारद जी, मांगो, आपकी जो इच्छा है वो मांगिए। भगवान खुद प्रकट होकर के नारद जी को वरदान देने के लिए बोल रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले प्रभु मांगना यही है कि जहां भी ये श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो, वहां आप इसी तरीके से आप सदा उन भक्तों के बीच में प्रकट होकर के आप आशीर्वाद देने और दर्शन देने जरूर पधारना। और सत्यनारायण भगवान ने नारद जी को आशीर्वाद दिया, बोले हाँ मैं जरूर। आप समझ रहे होंगे कि यह भगवान का वचन है कि मैं निश्चित रूप से भागवत कथा में उपस्थित होऊंगा। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप बैकुंठ में निवास करते हो, क्या आप योगियों के हृदय में निवास करते हो, क्या आप मंदिर में गिरिजाघर में हमें जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हमें आपका यदि पता ढूंढना हो, आपका पता लगाना हो तो हमें सही एड्रेस बताओ। तो भगवान विष्णु ने खुद ने ये कहा, ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे,
योगी नाम हृदय नचे, योगी नाम हृदय नचे, योगी नाम हृदय नचे, योगी नाम हृदय नचे। मम भक्ता यत्र गायन्ति, मम भक्ता यत्र गायन्ति, मम भक्ता यत्र गायन्ति, मम भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदे, तत्र तिष्ठामि नारदे, तत्र तिष्ठामि नारदे, तत्र तिष्ठामि नारदे। हे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ से भी निकल जाता हूँ, मैं बैकुंठ में भी नहीं मिलता हूँ। ना हम बसामि बैकुंठे, योगी नाम हृदय नचे, और योगियों के हृदय से भी चूर जाता हूँ, मैं योगियों के हृदय से भी निकल जाता हूँ। तो प्रभु कहा रहते हैं कि मम भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ पर गायन करते हैं, पुकारते हैं, तत्र तहा तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ पर मैं निश्चित रूप से उपस्थिति देता हूँ। ये भगवान के वचन है कि जहाँ पर कथा सत्संग कीर्तन होता है, वहाँ मैं हे नारद निश्चित रूप से उपस्थित होता हूँ। तो आप ये निश्चित मानो कि पूर्णावती 24 तारीख को है, तो भगवान जरूर 24 तारीख को तो प्रकट होना ही है। अब हम उनके दर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दृष्टि से, इन आंखों से भगवान के दर्शन होते नहीं है। अर्जुन को भी तो इन आंखों से दर्शन नहीं हुआ, संजय को भी तो व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी है। ऐसे ही है सत्संग, एक ऐसी दिव्य एक दवा है कि इसको बराबर श्रवण करने से आपको भी दिव्य दृष्टि मिलेगी, जिससे कि आपके जीवन में भी भगवान का कभी न कभी, कभी न कभी, कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धखा धनी का खाए, कबू तो धनी लाज सी जे दर छाड़ी नहीं जाए। यदि बार 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 आप किसी चीज की आग्रह करोगे, तो कबू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी काल, कभी न कभी, कभी न कभी तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। और जीवन में भगवान एक मौका जरूर देते हैं हर इंसान को, उसको आगे बढ़ने के लिए भगवान मौका जरूर देते हैं, सबको देते हैं। श्री व्यास जी महाराज हमें नैमिषारण्य का दर्शन करा रहे हैं, श्री सूत जी महाराज गादी आसन पर व्यास पीठ पर विराजमान है, सोनगादी 88,000 ऋषियों का प्रसन्न है, उन्होंने आग्रह किया है, हे बाबा आप तो, श्री सुखदेव महाराज जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी तब आप वहां उपस्थित थे, और आपने तो सारी कथा सुनी है, उस कृष्ण चरित्र को हमें विस्तार से सुनाइए। और कहते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रश्न रखे हैं कि प्रभु आने वाला जो कलयुग होगा उसमें एक तो मनुष्य अल्प आयु होगा, कम उम्र वाला होगा, फिर आसक्ति वाला होगा,
कामी होगा, क्रोधी होगा, स्वार्थी होगा, इंद्रियों का गुलाम होगा, इसलिए हे प्रभु इस कलयुग में इस जीव का कल्याण कैसे होगा, इस जीव के कल्याण का, जीव के सदमार्ग सदगति का आप हमें मार्ग प्रदर्शन करें। सदा सेव्या श्री भागवती कथा सोनकादि ऋषियों ने उत्तम श्लोक कहा भगवान को कि पहले हम आपको साधु साधु कह देते हैं, यानी जिससे ज्ञान लेना है उनको हम गुरु रूप में देखेंगे तो ही हम में ज्ञान उतरेगा। कहते पानी का और मन का एक स्वभाव है कि वो ढलान में ही जाता है, इसलिए हम जिससे विद्या लेना चाहते हैं उनके सामने हम नम्रता दिखाएं, नम्र बने, सहज सरल बने तो उनकी विद्या हम में उतर जाएगी। पार्वती जी ने शिव जी को कहा, बोला इस रावण को सब समझाते हैं, जानकी जी को चुरा लाया, हे प्रभु आप क्यों नहीं समझाते हो। पार्वती जी बोला ठाको ओ चेलो है रावण, हे इन समझाओ ने, ओ कत्तो गलत काम कर रहे हैं। शिव जी बोला मैं सारी दुनिया ने समझा सकू पर रावण ने कौन समझाऊ। बोला क्यों, क्योंकि और रावण जद भी मिले है जद ही मन देख करके हंसे। बोला क्यों, क्या रावण मन में यह सोचे है क्या मारे गुरु जी के तो 5 ही सिर है मारे 10 है, तो गुरु जी से दुगुणु जानकार तो मैं खुद ही हूं, क्योंकि रावण के 10 माता है, 10 माता है, 10 सिर है, और भगवान शिव जी का तो 5 ही है। तो शिव जी बोला और रावण जद भी मन देखे, जद यहां सोचा है कि गुरु जी से डबल तो मैं अब भी हूं, कोई कोई चेलो सोचा है क्या गुरु जी जाने जी से ज्यादा मैं जानू, तो बी का अंदर पा विद्या प्रवेश कौन करे, क्योंकि पद और मद दो भाई है। एक बार शिव जी पार्वती जी कैलाश में बैठा, रावण आयो कैलाश ने उठा लियो और पूरा कैलाश ने हिला दियो। पार्वती जी बोलिया महाराज देखो जी आ हलचल कहां से हो रही है, आ हलचल काहे की हो रही है। शिव जी बोलिया चेलो आयो मिलवा, के कुण सो चेलो के रावण, तो वो काई कर रही है इया मिले कि आवे के, कोई चेलो आवे तो मिले प्रणाम करे हरिओम करे, कोई और कोई सुख दुख की बात पूछे आ तो ही ला दियो, कई दुनिया में नरा चेला ऐसा है जो गुरुजी नहीं ला रहे मिले। बोले क्यों, के जी का 10 माथा वे वो आदमी एक तरफ 5 माथा एक तरफ 4 माथा तो टेडो तो यूं ही हो गयो, बैलेंस तो यही बिगड़ गयो। अच्छा 10 माथा वाला आदमी सो जाए करोट ले तो क्या ले भाई, ले लेंगे जी का 10 सिर है वो यदि करोट ले चाहे तो ले सकेगी, यानी आपने भी लड़ाई करे तो कहेगा हो रही 20 माथा की, देखो मतलब समझा कि नहीं।
कि भाई कोई आदमी का अभिमान चढ़ जाए, अभिमान बढ़ जाए तो बिन कोई भी समझाओ बोले वो कौन समझे, 20 माता 10 माता को मतलब वो है कि अहंकारी अभिमानी आदमी ने कोई कौन समझा सके, चाहे गुरु मिलो बिरंची। अच्छा जी का 10 सिर है भी आदमी ने स्नान करावे नहलावे तो पानी माथा को ऊपर गेरे जो शरीर पर जावेगी, वो तो उनला माथा को तो उन निकल गयो और उनला माथा को उन निकल गया तो पानी सारो साइड में गयो। यानी 10 माता को मतलब है कि ज्ञान भी के लिए कोने, यदि बिन ज्ञान देवला तो दूसरा के लिए साइड में निकल जाए लो, बुबी के काम कोई कोने। ज्ञान वो तो ज्ञान देवा को पानी को मतलब है, जल को मतलब है कि ज्ञान कोई देवे और वो जो श्रवण के द्वारा अंदर उतरे सिर पर डाले या एक माथा पर पानी डाले और वो सारो शरीर ना जावे, स्नान हो जावे, पूरो शरीर गीलो हो जावे, यानी बिन ज्ञान देवे तो भी अंदर उतर जावे तो लाभ है। तो सोनकादी जो ऋषि है उन्होंने सूत जी महाराज जी को पहले उनकी स्तुति करी है, गुरु वंदना करी है और किसी भी संत महात्मा गुरु विद्वान मंदिर में जाते हैं तो पहले हम वंदना ही करते हैं। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो पहले उसे प्रार्थना बुलाई जाती है और वो वंदना का मतलब है कि हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे कैसे भी आप अपनाओ, सूत सूत महाभाग वंदनो वंदता वरे कथाम भागवतीम पुण्याम यदा है भाग भगवान सुख। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद का 4वें अध्याय का 2वां श्लोक है। इसमें प्रार्थना करी गई है कि हे प्रभु आप भगवान सुखदेव मुनि के श्री मुख से श्री भागवत माँ कथा जो सुनी है वो हम पर कृपा करके हमें सुनाइए। और मंगलाचरण में उन्होंने मंगलाचरण किया है, आप लोग भी हाथ जोड़ लो, पहले मैं बोलता हूं फिर आप पीछे पीछे बोलना, कमर सीधी पैरा ने ठीक कर लियो, थोड़ा पाट पालखटी मान लियो, आलती पालती आराम से आराम से, हाँ आराम से बैठो सीधा शाबाश, काल तो थोड़ी बैठवन जगह भी कमी, आज तो आराम से हो, मैं बोलू है ना थे बोल जो कमर सीधी राख जो हो। नारायणं नमस्कृते, नारायणं नमस्कृते, नारायणं नमस्कृते, नारायणं नमस्कृते, नरं चैव नरोत्तम, नरं चैव नरोत्तम, नरं चैव नरोत्तम, नरं चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती व्यासम, देवी सरस्वती व्यासम, देवी सरस्वती व्यासम, देवी सरस्वती व्यासम, ततो जय मुदीर्येत, ततो जय मुदीर्येत, ततो जय मुदीर्येत, ततो जय मुदीर्येत। किसी भी संप्रदाय का किसी भी ग्रंथ का
किसी भी कथा का, किसी भी शुभ काम का जब शुरुआत किया जाता है तो सबसे पहले भगवान नर नारायण का जो अवतार हुआ है उसकी चर्चा, उसका वंदन, फिर उसके बाद सरस्वती जी माता का वंदन, फिर उसके बाद भगवान व्यास जी का वंदन करके ही उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं और गुरु महाराज जी का वंदन करते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुखी दर्द मिटाए जाते हैं, दुखी दर्द मिटाए जाते हैं, दुखी दर्द मिटाए जाते हैं, दुखी दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए जाते हैं। हरि बोल, जय 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 श्री राधे, सत्य दरबार की जय हो। हरि बोल, भर भर के जाम इबादत के या सब को पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के या सब को पिलाए जाते
दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए।